मुंबई में हनुमान चालीसा पठन को लेकर हुए घमासान के बाद गिरफ्तार की गई निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को यहां की एक अदालत ने रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राणा दंपति की मुंबई पुलिस की हिरासत में भेजने की मांग को खारिज करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया है। इस पूरे प्रकरण में क्या मोड़ आया कि अब नवनीत राणा को भायखला महिला कारावास में भेजा जाएगा, जबकि उनके पति को आर्थर रोड जेल भेजा जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और मुंबई पुलिस अधिनियम पुलिस की निषेधाज्ञा उल्लंघन की धारा 135 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। बाद में प्राथमिकी में धारा 353 सरकारी अधिकारी को कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल का इस्तेमाल या हमला करना और आईपीसी की धारा 124A यानी कि राजद्रोह के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। लोक अभियोजक प्रदीप घरत ने बताया कि उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह के तहत भी आरोप है, क्योंकि उन्होंने सरकारी तंत्र को चुनौती दी थी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणियां की थी। घरत ने कहा कि अदालत राणा दंपति की जमानत अर्जी पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। दंपति की ओर से वकील रिजवान मर्चेंट ने बताया कि दोनों के खिलाफ खार थाने में दो अलग अलग प्राथमिकियां दर्ज की गई है, सभी आरोप निराधार है। इसी बीच राणा दंपति की ओर से दी गई लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने शिवसेना के कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मुंबई पुलिस ने अमरावती से निर्दलीय लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और बटनेरा से विधायक उनके पति रवि राणा को विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता पैदा करने के मामले में शनिवार शाम को गिरफ्तार किया था। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।